अरे ये चंद्रशेखर जो है ये अजय भगवान जी का चेला है, हमारे दोस्त है अजय भगवान जाटव जी, ये मायावती जी को खत्म करने के लिए ये लेकर के आ रहे हैं। अब अगर अगर तीसरी ताकत बनती है, मायावती जी की बने या लालू जी की बने या किसी की बने, मायावती के अंदर तो ये वो कर सके, मायावती तो पूरे दुनिया को चलाएगी। इन मनोवादी की जो सिस्टम को अगर चेंज करेगी कोई तो मायावती करेगी, ये तो आपस में लड़के मायावती को पीछे कर देते हैं। और अखिलेश का समझौता ही बहुत है हिंदुस्तान में, ये कान खोल के बहन जी को सुनवा देना। जो उनके सलाहकार है, पानी पिलाने वाला, एक ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला और एक सलाह लेने वाले, इनको तीनों को हटा दें। ये मनोवादी लोग माया को मुलायम से अलग करते हैं, अजीत सिंह से लालू को अलग करते हैं, ये वो लोग हैं, इससे होशियार हो जाएं। अगर तुम्हारे साथ 80% हिंदू हैं तो तुम्हें डर काहे का है भाई, तुम क्यों नहीं लाता बिलेट पेपर पे। इस समय जंतर मंतर पे देश की बेटियां बैठी हुई हैं, और वो बेटियां जिन्होंने इतिहास रचा इस देश के लिए, क्या कहेंगे सर, कैसे आना हुआ यहाँ पर? भैया इसलिए आना हुआ हमारा, हम हैं सामाजिक न्याय के लोग, दलित पिछड़े जाट गुजरों के लिए लड़ने वाले लोग, मंडल कमीशन के समर्थन लोग। अब ये जो है अत्याचार महिलाओं की बात करते थे हमारे मोदी जी, और महिलाओं के साथ ही जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ये कोतक कर रहे हैं, तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और इसलिए आए हैं कि इनको न्याय मिले। और जो योगी जी हों, मोदी जी हों, ये जो हैं, ये जो जुडिशली है, मशीनरी है, CBI है, ये एक्शन में आए, और इन पे इन जो जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। बीपी सिंह का जो दौर था वो किस तरीके से फाइट करते थे आप लोगों को? विश्वनाथ प्रताप सिंह का जो दौर था वो दलितों को भी लेके चलते थे, वो का जो है जाटों को लेके चलते थे, गुजरों को लेके चलते थे, मुसलमानों को लेके चलते थे, वो एक राजा इंसान था, वो देश का प्रधानमंत्री, ऐसे ज़रूरत होती है देश के, जो सब कुछ होने के बाद में भी, और उसने सब कुछ जो है दलितों को पिछड़ों को पट्टा काट दिया, लोगों ने उसको पागल करार दिया उनको, सिर्फ किस लिए कि अपनी ज़मीन दुनिया को दे रहे हैं वो, पट्टे काट रहे हैं, कौन? राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह। अच्छा क्या क्या था वो समझ नहीं पाए इन लोगों को यूँ नहीं समझ पाए कि राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो हमेशा मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी, दलितों की लड़ाई लड़ी, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, तो वो क्या है कि वो दलित वाले जो लोग थे, मनुवादी जो लोग हैं 7%, वो मीडिया पे, जुडिशरी पे, CBI पे, LIO पे हावी हैं, वो समझ नहीं पाए। 11 महीने में राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को उठा के फेंक दिया, इन्होंने क्या क्या नहीं किया, कौन सा कोतक नहीं किया मोदी जी ने हमारे, नोटबंदी कराई, जुडिशरी की धज्जियाँ उड़ाईं, CBI की धज्जियाँ उड़ाईं, हाई कोर्ट की धज्जियाँ उड़ाईं, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़ाईं, और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने क्या किया समाज के लिए, घर बैठे राशन कार्ड दिया, लालू को नेता बनाया, अजीत सिंह को नेता बनाया, रामविलास पासवान को नेता बनाया, चौधरी चरण सिंह को नेता बनाया, अजीत सिंह जी को नेता बनाया। उनके अंदर जाति नहीं थी, उनके अंदर एक ही बात थी राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के अंदर के ये भी हमारे भाई हैं, हिंदू भाई, इनको भी इनकी जो है हक है उनको मिलना चाहिए। तो लोगों ने क्यों, किसने विरोध किया? मनुवादियों ने विरोध किया, राजा नहीं, वो एक सिपाही कहते थे, नारा सुना होगा आपने, तो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जो इस देश को देकर के गया है वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, सब कुछ उसने खो दिया अपना, और उसके बाद में क्या कहते थे, किसकी औलाद, मुँह से नहीं कहना चाहते, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं जागे। इतना पासवान ने इतना नहीं दिया, मायावती जी ने नहीं दिया, काशीराम ने नहीं दिया, जो वीपी सिंह दे के गए। मंडल कमीशन अगर वो चाहते ना चाहते, 60 साल से कांग्रेस थी इस देश में, मंडल कमीशन में कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन BJP को हराने के लिए कांग्रेस का विरोधी हूँ, उसके BJP का विरोधी हूँ। मंडल कमीशनर 60 साल तक लागू नहीं हुआ, एक राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह एक ऐसी शख्सियत थी, उसने कहा कुर्सी जारी जाने दो, ये भी हमारे हिंदू भाई। लेकिन कमंडल भी तो हुआ, कमंडल किसने किया? अरे जैसे ड्रामा करते हैं, 10 लोग बिठा करके मार देते हैं और क्या इस्तीफा मांगते हैं, 1 मिनट में डर जाते हो, तो मीडिया कौन है? उद्योगपति पूंजीपति, अगर एक भी बंदा बाहर से आ जाए, कहाँ से, विदेशों में जो बैठे हैं ये गुजराती लोग हैं, अगर एक भी आ जाए तो पूरे किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनुवादी लोग हैं, बनिए लोग हैं, हम बनियों के खिलाफ ही नहीं है, बनिए तो हमारे गांधी जी भी थे, हम बनियों को, लोहिया को, गांधी को, चौधरी चरण सिंह को, अम्बेडकर जी को मानने के वाले लोग हैं। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर जुडिशरी को बचाना है, CBI को बचाना है, LIO को बचाना, रिफाकत चौधरी फॉर्मर कैंडिडेट लोकसभा अमरोहा, मैं इसी देना चाहता हूँ, लोकतंत्र को बचाना है और अगर ये संविधान को बचाना है
जब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक ब्लेट पेपर नहीं लाओगे। और ये कहते हैं कि ब्लेट पेपर से पीछे चला जाएगा देश, क्योंकि ये कौन लोग कहते हैं, ये वो लोग कहते हैं 80% हिंदू हमारे साथ हैं। अगर तुम्हारे साथ 80% हिंदू हैं तो तुम्हें डर काहे का है भाई, तुम क्यों नहीं लाता ब्लेट पेपर पे, ब्लेट पेपर पे इलेक्शन क्यों नहीं कराते? क्योंकि इन्हें पता है दो ही सीटें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आएंगी उत्तर प्रदेश में से, एक लखनऊ अटल जी वाली और एक पीलीभीत, बाकी सारी समाजवादी लोकदल और बीएसपी ये सब ले जाएंगे। तो इन्हें डर ये है कि प्रधानमंत्री जो बनता है इस देश का बिहार यूपी और कलकत्ता से, आज भी तीन राज्यों में तुम ब्लेट पेपर ले आओ तो मैं गारंटी लिख के लेटर सर्टिफिकेट देता हूँ, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में ब्लेट पेपर पर इलेक्शन करा रहे हो, तुम्हारा देश का प्रधानमंत्री होगा, जरूरत ही नहीं तुम्हें धरने देने की। अरे जब तुम बनो सारे सबको हटा दो, इन्होंने ये नहीं हटा रहे भाई, ये जो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं कौन लोग उड़ा रहे हैं, ये मनोवादी लोग उड़ा रहे हैं, ना इनके लिए जुडिशरी है। अभी तुम अतीक को, हम अतीक का समर्थन नहीं है, ना करते हम ऐसा आदमी का, कोई भी आदमी हो चाहे, लेकिन ये बताओ CBI LIO की धज्जी उड़ी नहीं उड़ी, उड़ी नहीं उड़ी, लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई नहीं उड़ाई, किसने उड़ाई, कौन लोग थे वो? अरे कोर्ट के उसमें क्या यूपी पुलिस के अंडर में था और तुम गोली मारते हो तो ठीक है, माफिया था वो कोई भी था, लेकिन तुमने धज्जी उड़ा दी, तुमने क्या अतीक को मारा? अतीक को नहीं मारा, संविधान को मारा, बाबा भीमराव अंबेडकर की धज्जी उड़ाई, उसके संविधान की धज्जी उड़ाई, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हें कोर्ट पर विश्वास नहीं है, कोर्ट पर विश्वास नहीं है। अब अगर तीसरी ताकत बनती है, मायावती जी की बने या लालू जी की बने या किसी की बने, तो फिर क्या होगा? और हमारे लोग उनकी बातों में आ जाते हैं, तीसरे दिन इस्तीफा ले लेते हैं अपने लोगों से, कितने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं अभी देखो, महिला जो है देश की बेटी है, हैं अभी हमारे मिश्रा जी, हम नहीं लेकिन, लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, इस समय जो है बहुजन मूवमेंट किस ओर है? देखो बहुजन जो है 80% लोग हमारे बहुजन के लोग हैं, लेकिन ये जाग रहे हैं, आस्ता आस्ता जागेंगे। कितना जागेंगे सर, आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, अभी तक जागता ही रहेगा बहुजन? बताऊँ, जाग तो चुका है, ब्लेट पेपर पर इलेक्शन करा लो, अगर देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर दलित ना हो तो मैं गर्दन कटवा लूँगा, सिर्फ ब्लेट पेपर इलेक्शन करा लो, ये जितने भी कर रहे हो ना तुम, ये इसको छोड़ो सब। लेकिन चुनाव आयोग ने तो तमाम पार्टियों को बुलाया था। अरे भाई चुनाव आयोग है किसका ये तो बताओ, 17 पार्टियों ने इलेक्शन कमीशनर को लिख के दिया है कि इसको हटाओ, क्यों नहीं हटाते, क्यों नहीं हटाते, क्यों यूँ नहीं हटाते, ये इलेक्शन से EVM का तो खेल है। इनका ये कहना है कि हम 80% जो दलित बिछड़ों पे जो हैं उस पर राज कैसे करेंगे, उस पर राज ऐसे करेंगे, दिमाग को डाइवर्ट करेंगे। ये कहते हैं 764 वर्ष मुसलमानों ने हुकूमत करी, हम दलित बिछड़ों पर कैसे करेंगे, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान अफगानिस्तान समझे, इस पर दिमाग को डाइवर्ट करेंगे तभी तो ये राज करेंगे। अभी हमारे दलित भाइयों क्या पता, मायावती हो चाहे अखिलेश यादव जी हो चाहे ममता जी हो चाहे अजीत सिंह जी के पुत्र हों, इनमें जब तक इनके चेहरे नहीं है, प्रधानमंत्री के चेहरे नहीं है, ये तो बनिए क्या कहाँ से आ जाते हैं। तो अभी तमाम बहुजन तो बोल रहे हैं कि हमें मायावती को प्रधानमंत्री बनाना, तो क्या आप हर्ज है, क्या हर्ज है, सिस्टम सही चलता है और बनने भी चाहिए मेरे हिसाब से। मायावती क्यों, मायावती के अंदर तो ये वो घर से कि मायावती तो पूरे दुनिया को चलाएगी, मायावती का कोई सपोर्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं सपोर्टर जो हूँ मायावती। क्या खूबी है बहन जी में? बहन जी में ये खूबी है कि सिस्टम सही चलाते हैं भाई, बहन जी जो है इन मनोवादी को जो सिस्टम को अगर चेंज करेगी कोई तो मायावती करेगी, ये तो आपस में लड़के मायावती को पीछे कर देते हैं। लालू का और माया का और अखिलेश का समझौता ही बहुत है हिंदुस्तान में, ये कान खोल के बहन जी को सुनवा देना। मैं बहन जी का इलेक्शन लड़ाया मैंने वहाँ पर बिजनौर में सबसे पहला, सब बहन जी CM नहीं थी ना माउलंकर हॉल में, वो जब कहती कुआरी हूँ चमारी हूँ फरा हूँ दबका, मैं जब मैं उसमें भी था, सबूतगान साहे को बुलाया था बहन जी ने, हमारी गृह मंत्री थे जब, वो कुछ नहीं थी, हरी पॉलिस्टर का सूट था जब भी मेरे पास ये बैग था, वो तीन बार CM बने। बहन जी का सपोर्टर इसलिए हूँ कि दलित की बेटी है और संघर्ष किया है उस लेडी ने। मैं तो चाहता हूँ कि दलित की बेटी देश के प्रधानमंत्री बने आपके, और ये जो CBI LIO से घेर रही है मायावती को लालू को मुलायम को, इसको होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ। और अखिलेश जी से इनसे सबसे कहूँगा, अखिलेश जी से भी कहूँगा, चाहे अखिलेश जी हों मायावती जी हों चाहे कोई भी हो, ये जो है जब तक मायावती जी देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा कुछ नहीं हो सकता, इनसे कुछ नहीं होगा। क्या चांसेस, अभी सीट भी तो नहीं आ रही है सर, सीट क्यों नहीं आ रही है, किसने कह दिया आपसे? एक विधायक है, अरे मैं बताऊंगा ना मायावती जी को, मैंने बोला था लेकिन नहीं समझ में आया मायावती जी के, मायावती जी का अगर मेरी बात नोट कर लें आज और 3 महीने के अंदर अगर उनको ना दिखे रिजल्ट तो मैं गर्दन कटा लूँ। क्या करना? करना ये होगा, जो उनके सलाहकार है, पानी पिलाने वाला, एक ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला और एक सलाह लेने वाले, इनको तीनों को हटा दें, अपने लोग रखें भीम वाले, नंबर 1 सारे भीम वाले,
अरे कहाँ है मिश्रा आ जाते हैं यार, जहाँ वो पक्के आते हैं वो मिश्रा आ जाते हैं, वहीं गड़बड़ी हो जाती है, समझ लो मेरी बात। दूसरा ये है कि विलेज पेपर पर जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा मायावती देश के प्रधानमंत्री हो जाएगी। मायावती जी देश के प्रधानमंत्री होंगे जिस दिन विलेज पेपर पर इलेक्शन, कुछ ना करें मायावती नीले झंडे लेकर के जंतर मंतर पर आ जाए, इलेक्शन कराओ विलेज पेपर, लोकतंत्र बचाओ विलेज पेपर, उसी दिन देखो देश का। लेकिन लोग कहते हैं खामोश रहती है, कुछ नहीं कहती। अरे भाई ये खामोश इसलिए रहती है, ये घोटाले करते हैं बड़े बड़े, उन्हें कुछ नहीं होता। उन्होंने मूर्तियां लगा दी समाज के लिए देश के लिए, तो इनके रातों को नींद करने, उससे बड़ी मूर्तियां लगाई इन्होंने पटेल की, कोई विरोध करता है? क्यों नहीं करता? वो मनुवादी लोग हैं। ये बहन जी जो है, बहन जी ने कौन दबरा कर दिया भाई, मूर्ति लगवा दी तो वो तो संस्कृति की, संस्कृति के लिए है, उससे टिकट यूपी सरकार को फायदा हो गया। मैं भाई बहन जी का आदमी नहीं हूँ, मैं सीपी सिंह जो है मुझे जानते हैं, वरुण साहब जो दिल्ली के अध्यक्ष बने थे यहाँ पर, वरुण साहब वो जब पर्ची ले फिरते थे तो मैं वरुण साहब के साथ भी काम कर चुका हूँ, सीपी सिंह, हाँ सीपी सिंह भी जानते हैं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ वीपी सिंह, वो क्या नाम है हमारी बहन जी, देश का प्रधानमंत्री बने, मैं रिफाकत चौधरी मैसेज देना चाहता हूँ। और बहन जी तीन चीज़ें याद कर लें, बहन जी को सिर्फ ब्लैक पेपर पर इलेक्शन करा ले और कुछ ना कराए, देश का प्रधानमंत्री अगर दो साल के अंदर ना हो तो मैं गर्दन कटवा लूँ। अच्छा अभी जो उनका एक और जो उनका अभी चल रहा है चलो गांव की ओर, क्या लग रहा है उसे? उसमें से अच्छा है वो, हाँ एक चीज उसे मनोवादियों की बातों में ना है, क्या अखिलेश और अजीत सिंह से बना के रखे। ये जो कहते हैं ना दलितों ने वोट नहीं दिया, जाटों ने वोट नहीं दिया, यादवों ने दिया, ये आरएसएस के लोग दो चीजों को अलग अलग करते हैं। ये ऐसा गठबंधन है मायावती जी का, अखिलेश जी का, अजीत सिंह जी का, मायावती कान खोल के सुन ले, ये जो इलेक्शन है वो जो गठबंधन है सिर्फ दो सीटें बीजेपी की रह जाएंगी, सारी महागठबंधन की आएंगी अगर बुलेट पेपर पर इलेक्शन करा लिए। मायावती जी कान खोल के सुन लें कि ये जो कहते हैं ना कि यादवों ने वोट नहीं दिया, जाटवों ने वोट नहीं दिया, ये कौन लोग हैं? ये मनोवादी लोग माया को मुलायम से अलग करते हैं, अजीत सिंह से लालू को अलग करते हैं, ये वो लोग हैं, इससे होशियार हो जाएं, कुछ भी करें। लेकिन अब तो ऐलान कर दिया मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। वो ना करे तो कुछ कोई बात नहीं, जब भी चलेगा, लेकिन बुलेट पेपर पर इलेक्शन हो, गठबंधन ना करे किसी से, समर्थन तो लास्ट में देंगे, सेकुलरिज्म को बड़ा बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, अखिलेश जी भी देंगे, अजीत सिंह के पुत्र भी देंगे, मायावती सब देंगे ये, और मजबूरी होकर चंद्रशेखर का क्या होगा? अरे ये चंद्रशेखर जो है ये अजय भगवान जी का चेला है, हमारे दोस्त अजय भगवान जाटव जी, ये मायावती जी को खत्म करने के लिए ये लेकर के आ रहे हैं। अब ये जो घूमे फिर रहे हैं चंद्रशेखर के लोग जो या अजीत सिंह के लोग हैं हमारे अजय साहब साथ में ले फिर रहे हैं, ये इनको दिक्कत करेगा लास्ट में आके, बहन जी को खत्म करने के लिए लेकर के आए हैं बहन जी जो है। लेकिन कहीं शोषण होता तो चंद्रशेखर ही नजर आते, नजर इसलिए आते हैं जो मनोवादी लोग हैं उनको आगे कर देते हैं, वो जो उनसे वो सोचते हैं कि हमारे लोग हैं, यहाँ पे झगड़ा करके चला गया वो, यहाँ पर जाफराबाद में मुसलमानों करके झगड़ा करके चला गया, ये केजरीवाल हो चंद्रशेखर जी हो ये मनुवादी लोग हैं, ये तो तुम्हें लग रहा नीला झंडा मायावती को ख़त्म करने के लिए ये चंद्रशेखर को लाया गया, इसलिए होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ, बहन जी को आगे लाओ, लोकतंत्र बचाओ, और देश का प्रधानमंत्री चाहे अखिलेश हो, मायावती जी हो, ममता हो, इनको देश का प्रधानमंत्री बनाओ, और होशियार हो, ब्लैक पेपर पे एक मायावती जी एक प्रदर्शन करते हैं, सिर्फ ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन को हम जो है ब्लैक पेपर पे इलेक्शन चाहते हैं, और वीरेंद्र मिश्रा को साथ में ले लें, और जीत सिंह जी को साथ में ले लें, तीन अपने दलित नेताओं को, किसी की जरूरत नहीं है बहन जी को, देश के प्रधानमंत्री बनी बैठी है, बुलेट पेपर पर इलेक्शन करा लें और लोकतंत्र को बचा लें, कुछ भी करते रहे बहन जी की, आप फाइल बनाइए उनके भतीजे की, आनंद की बना दी, उसकी बना दी, किस लिए बना रहे हैं वो, उसे रोकने के लिए बहन जी को। इसलिए मैं बहन जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हम 30 साल से 35 साल के सड़कों पर तजर्बे हैं हमें, हमने गेहूं के याद में मंडल कमीशन में भी काम करा, कुमारखंड में डंड खाएं, मंडल कमीशन जब वीपी सिंह ने लागू करा था तो अनिल अहमद गहलोत के साथ हमने डंडे खाए, पासवान के साथ हमने डंडे खाए, इसलिए बहन जी को बताना चाहता हूँ अगर देश के प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं वो, मैं रिफाका चौधरी एक मैसेज देना चाहता हूँ, पहुँचा दो बहन जी को तीन चीज़ों पर, वो कर लें देश का प्रधानमंत्री खुद बन जाएंगी, वो अभी बन जाएंगी 24 मई, बुलेट पेपर पर इलेक्शन सिर्फ और कुछ नहीं, बुलेट पेपर पर इलेक्शन होते के साथ ही 32 सीटें लोकसभा की बहन जी की लोकसभा की आएंगी, मैं नोट कर लेना मेरी 32। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं इस बार तो खाता भी नहीं खोल पाएगी। अरे भैया ये तो रोक रहे हैं भाई, मायावती क्या समझ रहे हैं? नहीं आई मायावती, मायावती पिछली बार भी आई थी, उससे पहले भी मायावती थी, इन्होंने ईवीएम द्वारा सत्ता पर काबिज होकर जोगी मोगी जी को बिठा दिया, मायावती जी को रोक दिया, क्योंकि मायावती जी जिससे जो है इनकी हवा खराब होती है, अखिलेश से इनकी हवा खराब होती है, समाज के लिए, देश के लिए, विकास के लिए काम करते हैं ये लोग, ये डरती नहीं मायावती जी, ये क्या है मोदी जी हमारे, मोदी जी क्या है, हैं क्या ये प्रधानमंत्री? अरे यार तुम प्रधानमंत्री मान, प्रधानमंत्री होते सबके, हम भी मानते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन सबके ही तो प्रधानमंत्री। अरे यार सबके हैं तो जनता से डर क्यों नहीं? दलितों को पीटता है तो बोलते कि मेरे दलितों को। अरे भैया दलित वो कहाँ है, वो तो बनिया है। अरे भाई कोई दलितों को पीटता है तो वो कहते हैं मेरे दलित भाइयों को मत पीटो, मुझे पीट लो, पीट लो। पीटता क्यों है? ऐसा है तुम्हें पता नहीं, 2002 में
वो चीज़ चलाओ। 2002 में मोदी जी जो बनिए हैं, इन्होंने सर्टिफिकेट बना के, जैसे योगी ने अपने मुकदमा ख़त्म करा लिए ना, ऐसे ही इन्होंने 2002 में अपना वो करा करके OBC बन गए, बनिए हैं ये। OBC के नाम पे अब से 28 साल पहले व्हाइट हाउस पे फोटो है मोदी जी का, चाय वाला वहाँ पर जाएगा 28 साल पहले। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है, समझे, जो है मैं रिफाका चौधरी बता रहा हूँ, बहन जी को मैसेज दिए, ब्लेट पेपर बच्चे लाइए, लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए, समझे। तो ये देखिए, जंतर मंतर पे पहलवानों के धरने के बीच में एक बहुजन सोच के व्यक्ति हैं रिफाका चौधरी, और इस तरीके के तमाम लोग इस धरने प्रदर्शन में आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इनके विचारों से, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस TV इंडिया।